So, hello biologian, today we will discuss the next segment of kingdom protista. In previous lecture we have discussed the general characteristic of kingdom protista, then classification, different method of reproduction, different method of nutrition. Basically that all is related with the general characteristic of kingdom protista. Today we will discuss the next segment of kingdom protista, that is related with the different categories of classification. We have discussed that photosynthetic protists, consumer decomposer protists, and the animal protists are there in the kingdom protista. And today we will discuss the photosynthetic protists. And these photosynthetic protists are generally with pigments. They have pigments. They are considered as the photosynthetic protists, but few individuals of these category also show saprotrophic mode of nutrition. They also show holophytic mode of nutrition. So they are not purely photosynthetic. So different categories are there. These phylum of photosynthetic protists called pyrophyta, and the different classes are there related with this phylum, like class of dinoflagellates, class of euglenophyta, that belongs to the Euglena, जिसमें Euglena एक common example आता है. ऐसे ही आते हैं हमारे इसमें individual diatoms. तो इनके जो भी further characteristic है, उनके जो characteristic उनको एक दूसरे से अलग करते हैं, वो सारे के सारे photosynthetic protists में आते हैं, वो सारे pyrophyta में आते हैं, वो सारे dinoflagellates कहलाते हैं. लेकिन फिर भी हम उनको अलग अलग category में क्यों पढ़ते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक आज हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द डायनोफ्लैजेलेट्स. वी आर डिस्कसिंग द फाइलम पायरोफाइटा, एंड इन पायरोफाइटा वी आर डिस्कसिंग द डायनोफ्लैजेलेसी, डायनोफ्लैजेलेसी क्लास. ओके, सो डायनोफ्लैजेलेट्स आर जनरली मराइन इंडिविजुअल. आपने इनमें से कुछ इंडिविजुअल के बारे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुना होगा कि एक्वेटिक बॉडीज में, मराइन वाटर में कुछ शाइन करते हुए, जैसे हमारे जुगनू होते हैं, बायोलुमिनेसेंट स्ट्रक्चर्स वैसे दिखाई देते हैं एक्वेटिक मराइन बॉडीज में. तो वो क्या होते हैं, वो यही होते हैं. इनमें कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे नॉटिलुका होता है या गोनियोलेक्स होता है. ये इंडिविजुअल जो रहता है वो फॉस्फोरेसेंस शो करते हैं, और फॉस्फोरेसेंस की वजह से उनमें लाइट जो है वो इमिट होता है. दे आर बायोलुमिनेसेंट. ऐसे ही गोनियोलेक्स आपने सुना होगा, नाम ऐसे गोनियोलेक्स आपने भले ही नहीं सुना होगा, लेकिन ये जरूर सुना होगा कि जो मराइन वाटर रहता है या सी वाटर रहता है, उसमें कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पर रेड टाइड्स जैसी कंडीशन बनती है. तो ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, गोनियोलेक्स, इनमें रेड कलर, रेड ब्राउन कलर पिगमेंटेशन होता है इन देयर बॉडी. सो बिकॉज ऑफ दीज पिगमेंट्स, प्योर रेड कलर पिगमेंट इज नॉट देयर, बट ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ पिगमेंट, उनमें रेड कलर का पिगमेंट नहीं है, लेकिन उनमें जो भी पिगमेंट है वो कॉम्बिनेशन शो करता है, और उसकी वजह से ये रेड ब्राउन कलर का अपेयरेंस देता है सी में. और जब वेव्स डेवलप होती है सी में, तो दैट सी लुक्स लाइक अ रेड सी, एंड द टाइड्स कम्स विथ दीज इंडिविजुअल डायनोफ्लैजेलेट गोनियोलेक्स. दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेड टाइड्स. सो बायोलुमिनेसेंस होते हैं, उनमें स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सो लेट्स वी डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर बिलोंग्स टू द डायनोफ्लैजेलेट्स. मेनी एग्जांपल्स आर देयर इन द डायनोफ्लैजेलेट्स, एंड वी विल डिस्कस फ्यू एग्जांपल विद देयर डायग्राम. सो लेट्स वी डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक. जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरली इंडिविजुअल्स आर मराइन. इंडिविजुअल्स आर मराइन. ओके, फ्यू इंडिविजुअल्स आर एक्वेटिक. इनमें से कोई भी इंडिविजुअल जो रहता है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को शो नहीं करता. ये इंडिविजुअल जो रहते हैं वो जनरली यूनिसेलुलर रहते हैं. ये तो हमारे लिए नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है तो वो यूनिसेलुलर ही रहेंगे. इनका जो नॉर्मल अपेयरेंस कलर रहता है, जो ये दिखाते हैं, जैसे नॉर्मल अपनी फिनोटाइप्स में होते हैं, दे आर गोल्डन ब्राउन इन कलर. ओके, वेरियस कलर्स आर ऑल्सो देयर. आप एक नॉर्मल प्रोमिनेंट कलर, मैंने बोला कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन अपने पिगमेंट्स की वजह से, उनमें जो भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, देन अल्फा कैरोटीन, जेंथोफिल,
and fucoxanthine. These type of pigments they have, and the pigment color is normally yellow color, okay, then green color, like that colors are available in their pigmentation system. But all these pigments mix with each other and they form the different combination. So normally they are golden brown in color, but available in various colors, alag alag color bhi milte hain, like येलो कलर में भी ये अवेलेबल होते हैं, ग्रीन कलर में भी ये अवेलेबल होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन ब्लू कलर. और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सम टाइम दे शो रेड ब्राउन पिगमेंटेशन ऑल्सो, एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ रेड टाइड्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पिगमेंट सिस्टम्स आर देयर एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सिस्टम. पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, देन अल्फा कैरोटीन. ये आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इससे अगला मेंबर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, दैट इज द डाइट टर्म्स दैट बिलोंग टू क्राइसोफाइटा, तो वहां पर ये कैरोटीन भी प्रेजेंट रहेगा, बट दैट कैरोटीन इज बीटा कैरोटीन. ओके, एंड यूग्लिनोफाइटा जब हम पढ़ेंगे, इसका लास्ट ग्रुप, दैट ऑल्सो हैव बीटा कैरोटीन, बट दीज इंडिविजुअल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा हैज अल्फा कैरोटीन. With alpha carotene, they also have xanthophyll. Okay. The next characteristic that is related with their chloroplast, they have chloroplast. Chloroplast is there, and their thylakoid lamellae. Thylakoid lamellae, three layer. Thylakoid lamellae, इनकी three layer होती है. Clear? The next characteristic, chloroplast is the photosynthetic cell organelle. They perform photosynthesis, and thylakoids structures they also have, but their thylakoid lamellae is three layer. These three layer lamellae is also present in the euglenophyta, that is not present in the category of diatoms, but here that thylakoid lamellae is three layer. Pyrenoids structure. Pyrenoids are the specific food storage body, food storage structure related with the chloroplast. It is possibly present or absent. ये कुछ individual है, इसके कुछ members है, उनमें ये pyrenoids structure जो रहते हैं वो present रहते हैं, otherwise most of the individual में ये structure जो रहते हैं वो absent होते हैं. Clear? Like that also occurs in the euglenophyta. Euglenophyta में भी कुछ members हैं जिनमें pyrenoids structures होते हैं, otherwise these structures are absent. Okay? Then the next characteristic of dinoflagellates. These dinoflagellates are motile individual. ये कैसे होते हैं? Motile होते हैं. Motile means they are able to locomote. अब locomotion कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होगा. सो दे हैव लोकोमोटरी ऑर्गन एज फ्लैजिला. क्लियर? इनका लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला होता है, और जनरली इनमें फ्लैजिला जो रहते हैं वो टू फ्लैजिलास होते हैं, एंड बोथ फ्लैजिलास आर सेम इन देयर मॉर्फोलॉजी. वो अपनी मॉर्फोलॉजी में सेम होते हैं. अगर आप यही बात युग्लिना में करेंगे, तो युग्लिना में फ्लैजिला की कंडीशन, या युग्लिनोफाइटा जो ग्रुप है उसमें जो फ्लैजिला की कंडीशन होती है वो हिटेरोकॉन्ट होती है. हिटेरोकॉन्ट, हिटेरोकॉन्ट का मतलब होता है फ्लैजिला दो होते हैं, और दोनों फ्लैजिला मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. एक का साइज बड़ा होता है और एक का साइज बहुत छोटा होता है. सो दिस टाइप ऑफ हिटेरोकॉन्ट कंडीशन नॉट अवेलेबल इन द डायनोफ्लैजिलेट्स. दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिलास आर टू, दैट्स वाई दे आर मोटाइल इंडिविजुअल. दे आर एबल टू लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दे आर एबल टू सर्च देयर फूड. They moves towards the light. They moves towards the favorable places. They are able to protect themselves by their motile nature. Okay, so their both flagellas are same, but the basic nature of flagella. These flagella do not have basal granules. Basal granules are the specific protein particles, and these protein particles are generally formed by the protein flagellin or tubulin, and these protein particles are absent. Generally flagella जहां से growth करता है, जहां से develop होता है, उसमें centrally situated जो है वो protein structures होते हैं, microfilaments होते हैं, that form the basal body, and that protein particles are from the basal granules, and these basal granules are absent in the
flagella of dinoflagellates. They have flagella. Flagellas are arises from the protoplasm and plasma membranous outgrowth, but their flagellas do not develop from the basal granules. Basal granules are absent. Okay. The next characteristic present in the dinoflagellates. Dinoflagellates show both mode of nutrition, holophytic and photosynthetic. अब अगर आप दोनों में से कंपैरिजन करें तो मोस्ट ऑफ द डाइनोफ्लेजिलेट्स आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, बट फ्यू समटाइम्स द इंडिविजुअल दोज हु आर एबल टू परफॉर्म प्रोसेस फोटोसिंथेसिस दे हैव पिगमेंट्स, बट समटाइम इफ कंडीशन इज नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस दीज इंडिविजुअल ऑल्सो शो होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दे ईट दे टेक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द एक्वेटिक बॉडी इन द स्मॉल मिनरल्स एंड द कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ देयर फूड. Okay, so they also show holophytic mode of nutrition. So in this particular part, we have studied the total 6 characters of dinoflagellates. Next we will discuss, so revise one more time. These individuals are generally marine and aquatic. They are unicellular. Colonial forms are rarely available. Wo group mein nahi rehte, individually rehte. So they are solitary organisms. General common appearance in the aquatic body, golden brown in color, but different type of pigments combinations and their mixing of pigments, they show different color combinations also in their organization. They are photosynthetic organisms, so they have specific photosynthetic pigments, and photosynthetic pigments are chlorophyll A, chlorophyll C, alpha carotene and xanthophyll. One more specific pigment they also have, and that pigment is called fucoxanthine. Okay, fucoxanthine pigment they have in their pigment organization. Chloroplast also they have, and their chloroplast is special. Their thylakoid membrane present in the chloroplast. Chloroplast is made up by the different units of thylakoids, and these thylakoid membrane is generally 3 layer. These individuals are motile. Their locomotory organ is flagella, number is 2, and both flagellas are same morphologically. They perform both mode of nutrition, holophytic as well as photosynthetic. So let's we discuss the next characteristic of dinoflagellate. Characteristic number 7. Clear? They have pigment system, they are motile, they perform photosynthesis process, but these individuals are generally have outermost protective covering. They are single cell organism, so definitely plasma membrane and cell wall like structures are also there, and we have already discussed the general characteristic of Kingdom Protista, in which I have explained you that different outermost protective covering they have in form of cell wall, in form of pericle, in form of mucilaginous sheath, in form of cuticle. So these individuals have their outermost protective covering in form of cell wall. Okay, and this cell wall is basically made up by the cellulose and pectin. Okay, these two polysaccharides are basically from the cell wall of these dinoflagellates. Okay, but their cell wall is generally in form of specific hard structure. It is rigid, it is thick, and their cell wall is available in form of the thick covering. आप इमेजिन करो, एक इमेजिनेशन में लाओ अपने कि ये कोई एक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक बहुत थिक रिजिड टफ मोटा कवर चढ़ा हुआ है, और ये कवर जो है इट इज जनरली द इन फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्ड प्लेट्स. स्कल्पचर्ड प्लेट्स, क्लियर? अगर आप एक नॉर्मल प्लेट बना रहे हैं, ये एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है, बट इफ दीज स्ट्रक्चर हैव द स्पेसिफिक स्पाइनी outgrowth, then that is called sculptured plates. So their cell wall is available in form of sculptured plates. Their cell wall is rigid, their cell wall is thick, that's why their cell wall is called theca.
नॉर्मल सेल वॉल नहीं बोलकर इनकी सेल वॉल को क्या बोला जाता है, सेल वॉल को बोला जाता है थीका. ओके, एंड दीज थीकास आर आर्टिकुलेटेड ऑन ईच अदर. जैसे ये एक थीका है तो इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट थीका है वो इस टाइप से आर्टिकुलेटेड रहता है, मतलब एक दूसरे के अंदर वो बंद टाइप में, पैकिंग के टाइप में जो रहता है वो प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? आप अगर इमेजिन करें तो एक ऊपर का जो थीका है और नीचे का जो थीका है वो एक दूसरे से ऐसे आपस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक दूसरे के अंदर फंसे हुए होते हैं. क्लियर? सो दे हैव आर्टिकुलेटेड थीका एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज आउट ग्रोथ स्पाइनी स्ट्रक्चर इन देयर सेल वॉल, दीज इंडिविजुअल ड्यू टू देयर स्पेसिफिक थीका और ड्यू टू देयर स्पेसिफिक सेल वॉल, दीज इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो कॉल्ड आर्म्ड डायनोफ्लैजेलेट्स. आर्म्ड फ्लैजेलेट्स. ओके, मींस कहीं ना कहीं ये उनका जो थीका रहता है वो उनको एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और कहीं ना कहीं उनके एनिमी से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत यूजफुल होता है. इट वर्क्स लाइक देयर आर्म, उनके हथियार के जैसा उनके लिए यूजफुल होता है. दैट्स व्हाई देयर स्कल्पचर्ड प्लेट्स दैट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ थीका, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट दे आर कॉल्ड आर्म्ड फ्लैजेलेट्स. ओके, आर्म्ड डायनोफ्लैजेलेट्स बोला जाता है इनको. क्लियर? दे हैव बिग न्यूक्लियस, बिग न्यूक्लियस दे हैव. ओके, एंड देयर न्यूक्लियस इज जनरली अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ थिक कंडेंस्ड बिग फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स. क्रोमेटिन फाइबर्स के साथ उनका न्यूक्लियस जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है. सो देयर न्यूक्लियस इज इन फॉर्म ऑफ मेसोकैरियन. क्लियर? एंड दे आर रिजर्व फूड, दे हैव रिजर्व फूड इन फॉर्म ऑफ, जनरली हर एक इंडिविजुअल के पास अपना कोई ना कोई रिजर्व फूड होता है, इनके पास भी अपना रिजर्व फूड होता है. दैट रिजर्व फूड इज जनरली इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स. इस फॉर्म में अपना स्टोर्ड फूड जो है वो सेव करके रखते हैं, ठीक है, फॉर देयर फ्यूचर. ओके, दीज इंडिविजुअल they have cell wall, they have developed the nucleus and their respiration through their plasma membrane, respiratory organ is plasma membrane, like the common characteristic of kingdom protista. But these individual have specific defense, उनके पास अपना डिफेंस होता है. जैसे इस कैटेगरी के कुछ इंडिविजुअल रहते हैं जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगेंस्ट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. ये दोनों के अगेंस्ट जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं. दे किल द फिश इन प्रेजेंट इन द एक्वेटिक बॉडीज, प्रेजेंट इन द मराइन बॉडीज. सो दीज पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय दीज मेंबर, फॉर एग्जाम्पल जो गोनियोलिक्स है वो कॉमनली इसके लिए जाना जाता है कि ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों के अगेंस्ट जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है. एंड दैट टॉक्सिक सब्सटेंस इज कॉल्ड सेक्सी टॉक्सिन. क्या बोला जाता है उसको? सेक्सी टॉक्सिन. ओके, एंड दीज सेक्सी टॉक्सिन किल द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स प्रेजेंट इन द एक्वेटिक बॉडी. सो बेसिकली दीज इफ दे हैव दीज टाइप ऑफ थीका, they have the specific defense, so they are able to protect themselves from their enemies. अपने enemies से वो खुद को protect कर सकते हैं. They have flagella to avoid the adverse condition. अगर कोई खतरा दिख रहा है तो flagella की मुंह से help से अपना movement show करते हैं और वो उस चीज को उससे दूर चले जाते हैं. But they also produce the toxic substances and that is the most important thing you have to learn. That is sexytoxin, the specific toxic chemical produced by the मेंबर ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स, स्पेशली गोनियोलिक्स. आपको नाम याद रखना है GONYAULX, गोनियोलिक्स. ये इंडिविजुअल जो है ये डायनोफ्लैजेलेट का एक एग्जाम्पल है. डायनोफ्लैजेलेट्स में ऐसा एग्जाम्पल एक आता है नॉटी लुका. नॉटी लुका ये वो इंडिविजुअल है जो हमको शो करता है बायोलुमिनिसेंस. क्लियर? ये इंडिविजुअल आपको एग्जाम्पल्स ऐसे पूछे जाते हैं जनरली नीट में
कि जो सेक्सीटॉक्सिन है वो कौन सा डायनोफ्लैजिलेट बनाता है, या कौन सा डायनोफ्लैजिलेट है जो फोटोसिंथेसिस और होलोफाइटिक बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन साथ साथ शो करता है, या वो कौन सा इंडिविजुअल है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कौन सा इंडिविजुअल है जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। अगर ये बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहे हैं तो क्यों शो करते हैं, ये इनमें से बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे रहते हैं जो किसी अदर इंडिविजुअल के साथ कोऑपरेशन में रहते हैं, म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इनके साथ कोई बैक्टीरिया एसोसिएटेड है तो वो बैक्टीरिया की वजह से भी इनमें फॉस्फोरसेंस होता है, इनमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है और उसकी वजह से दे इमिट लाइट, वो लाइट को इमिट करते हैं, सो दे आर रिलेटेड विद द बायोल्यूमिनेसेंस। ओके, इसी कैटेगरी का एक इंडिविजुअल है दैट इज कॉल्ड क्रिएटियम एंड सिरेटियम, CERATIUM। इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस इंडिविजुअल में कौन कौन से मीन्स डायनोफ्लैजिलेट्स में कॉमनली कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। सो लर्न दीज नेम फ्यू एग्जाम्पल डेफिनेटली यू हैव टू लर्न रिलेटेड विद द डायनोफ्लैजिलेट्स एंड देयर पेकुलियर फीचर्स। सो टॉक्सिक सब्सटेंस दे प्रोड्यूस अगेंस्ट द इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वी विल डिस्कस दैट इज रिलेटेड विद द सेल वॉल फॉर्मेशन। ओके, जनरली ये जो इंडिविजुअल होते हैं, इन इंडिविजुअल में जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन रहता है, देयर थिकास व्हेन अरेंज, देयर थिकास फॉर्म टू ग्रुप्स। जब थिकास अरेंज होती है तो आप ध्यान दीजिए, ये एक इंडिविजुअल का मैं आपको डायग्राम बता रही हूं, क्लियर। ये इनका जो है ये थिकास का आर्टिकुलेशन है, क्लियर। थिकास के आर्टिकुलेशन में आप देखिए यहां पर ये बन गई इनकी ग्रुप्स, क्लियर। ग्रुप्स में आपको एक फ्लैजिला ऐसे मिलेगा और एक फ्लैजिला जो है थोड़ा थिक जो है वो आपको यहां से निकलता हुआ मिलेगा, क्लियर। तो इनमें जब थिकास अरेंज होती है ड्यू टू द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ थिकास दे फॉर्म द ग्रुप्स, उनमें ग्रुप्स बनते हैं, गैप्स बनते हैं, एंड दे हैव टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। वन ग्रुप इज द सर्कुलर ग्रुप्स एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड एनुलस। क्या बोला जाता है उसको? एनुलस। एंड नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स, दे प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स बाय द अरेंजमेंट ऑफ देयर थिकास, बाय द अरेंजमेंट ऑफ देयर स्पेसिफिक सेल वॉल दैट इज मेड अप बाय द सेलुलोज एंड पेक्टिन, and these longitudinal grooves called sulcus, clear। from these grooves the specific flagellas were arises, and one flagella is arises from the longitudinal grooves and that flagella is called sulcus flagella or longitudinal flagella, sulcus flagella or longitudinal flagella, and these flagella is called transverse flagella। सो बेसिकली फ्लैजिलास आर टू, देयर दो टाइप के फ्लैजिलास है, दोनों अलग अलग पोजिशन से अराइज होते हैं, अलग अलग ग्रुप से अराइज होते हैं, एंड दीज फ्लैजिलास आर एग्जाम्पल, दीज ट्रांसवर्स फ्लैजिला आर स्मॉल इन साइज, साइज इनका छोटा होता है, एंड दीज फ्लैजिलास आर रिबन शेप्ड, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, रिबन शेप्ड होते हैं, और ये जनरली मूव करते हैं फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड मोशन शो करते हैं, बट दीज लॉन्ग फ्लैजिला दैट इज अराइजेस फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप सल्कस, सल्कस से अराइज होता है, एंड दीज फ्लैजिला इज जनरली लॉन्ग एज कंपेयर टू द ट्रांसवर्स फ्लैजिला, लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, इट इज थिन स्ट्रक्चर, ये साइज में बहुत पतला होता है, और ये पोस्टीरियरली मूव करता है, मीन्स इसका जो मूवमेंट होता है वो पोस्टीरियर साइड पर होता है, जहां से ये अराइज होता है तो ये जाएगा डाउनवर्ड, उसका जो इंडिविजुअल का बॉडी है तो ये डाउनवर्ड ग्रोथ शो करता है, पोस्टीरियर ग्रोथ शो करता है। सो पॉसिबली जो मैंने आपको यूबिना में बताया, दे शो हेट्रोपॉन्ड कंडीशन, लाइक दिस कंडीशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फ्यू इंडिविजुअल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स, दे हैव टू टाइप ऑफ फ्लैजिला, ट्रांसवर्स फ्लैजिला एंड द लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, दे हैव टू ग्रूव्स इन देयर थिका, वन इज द सर्कुलर ग्रूव्स एंड अनदर वन इज द longitudinal grooves, circular groove is called annulus and longitudinal groove is called sulcus, okay। So these flagella related with their locomotion and movement, now next we will discuss the reproduction method followed by the member of dinoflagellates।
which type of reproduction they show. Commonly, they reproduce by asexual method, and asexual method is fission and fragmentation. Okay, common method of asexual reproduction is fission and fragmentation, but they also show sexual method of reproduction. They also reproduce by sexual method, and their sexual reproduction method is isogamous and anisogamous. What is the meaning of isogamous and anisogamous? That we have already discussed in the earlier lecture. हमने already इसको पहले पढ़ लिया है कि अगर sexually वो reproduce होते हैं, means they form the gamete. Sexual reproduction जब वो show करते हैं तो gametes बनाते हैं. They show meiosis cell division show करते हैं और उनमें अलग अलग type के gametes condition बनती है. उसी के base पर उनका sexual reproduction होता है isogamous and anisogamous. Okay? Then common method of asexual reproduction is common cell division. Common cell division से वो reproduce होते हैं and they also show cyst formation. Cyst formation भी वो show करते हैं. Okay? इसके बाद जो next characteristic है, their life cycle pattern. वो कैसा life cycle pattern show करते हैं? तो उनका जो life cycle pattern रहता है, वो रहता है zygotic meiosis. Zygotic meiosis. अगर आप zygotic meiosis समझ रहे हैं, तो आपको इसके पहले वाला जो हमने लेक्चर दिया है किंगडम प्रोटिस्टा पर, वो किंगडम प्रोटिस्टा के लेक्चर के थ्रू आप जान पाएंगे कि zygotic meiosis का मीनिंग क्या होता है. So these zygotic meiosis life cycle pattern shown by the member of dinoflagellates. Dinoflagellate member also have sensory organs. आपने सुना होगा जो हमारे सिलेंड्रेट्स होते हैं या हमारे जो पॉलीफेरेंस होते हैं, दे हैव जनरली सभी इंडिविजुअल्स में होते हैं, बट दे हैव स्पेसिफिक सेंसिटिव सेल सेंसिटिव स्ट्रक्चर, एंड दैट सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड विद द पिगमेंट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव द ऑर्गन लाइक आई ईयर प्रेजेंट इन अवर बॉडी. सो देयर सेंसरी स्ट्रक्चर्स आर स्लाइटली डिफरेंट, बट द सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द dinoflagellates, they also show responses towards the light, they also show responses towards the touch, they also show responses towards the chemicals present in the aquatic bodies. So, what sensory organs they have? These sensory organs are associated with their thikas, unke thikas se associated hota hai unke plasma membrane se, and these sensory organs present in the dinoflagellate called trichocyst. जैसे सिलेंड्रेट में नेमेटोसिस्ट होते हैं, वैसे ही इनमें सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं. ओके, इनका जो एक्सक्रीशन होता है, फॉर एक्सक्रीशन प्रोसेस दे हैव द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. जनरली द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, बट these individual dinoflagellates do not have that contractile vacuoles. In place of that contractile vacuoles, they have other vacuole-like structure, and that excretory unit of dinoflagellate is called pusule. क्या बोला जाता है उसको? Pusule. Clear? So they have excretory organ, but their excretory organ is not available in form of contractile vacuole. इसके बाद जो हम पढ़ेंगे diatoms, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे यूग्लिनोफाइटा, they have excretory organ, excretory structure as contractile vacuole, but in place of contractile vacuole, these individuals have the excretory organ as pusule. Clear? इन individual में ये जो members है, इनमें जो common structure रहता है flagella, वो commonly present होता है, लेकिन कुछ individuals है जिनमें अगर फ्लैजिला नहीं है, तो फ्लैजिला के पेस पर उनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स रहता है वो थोड़ा सा ऐसे थिक स्ट्रक्चर रहता है, थोड़ा ज्यादा मोटाइल स्ट्रक्चर रहता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रहता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेंटिकल्स. सो इफ दे डू नॉट हैव फ्लैजिला, दे हैव टेंटिकल्स. जैसे हम डिस्कस करेंगे नॉटिलुका, तो नॉटिलुका में फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, दे हैव टेंटिकल्स. ओके, सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स.
कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको बिल्कुल बाय हार्ट अपने रिमाइंडर में डाल लेना है, बिकॉज दीज कैरेक्टरिस्टिक वी हैव टू कंपेयर विद द नेक्स्ट मेंबर ऑफ क्लास फाइलम पायरोफाइटा. फाइलम पायरोफाइटा का पहला मेंबर हमने पढ़ा है, पहला ग्रुप हमने पढ़ा है, एंड दैट ग्रुप इज डायनोफ्लैजेलेट्स. ओके, नेक्स्ट ग्रुप वी विल डिस्कस दैट इज द क्राइजोफाइटा. And in Chrysophyta, we will discuss the diatoms, especially diatoms. Diatom की वजह से ही वो ग्रुप जाना चाहता है. So all these are the general characteristic of dinoflagellates. And next we will discuss the one or two diagram of member of dinoflagellates, जिसकी वजह से आपको उसके सारे जो भी मैंने characteristic बोले हैं वो थोड़े characteristic आपको reminder में आ जाएगी. क्लियर? सो पहला जो डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, तो डायग्राम मैं आपको ड्रॉ कर बता रही हूं, दैट डायग्राम इज ऑफ सिरेटियम. क्लियर? मेंबर इज सिरेटियम. ओके, मैंने आपको बताया कि ये इंडिविजुअल जो रहते हैं इनकी सेल वॉल जो रहती है दैट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ थिकास. क्लियर? ये तो आर्टिकुलेटेड सेल वॉल है 1 and 2. क्लियर? दैट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ थिकास. एंड दीज थिकास आर स्पाइनी विथ स्पेसिफिक आउटग्रोथ. ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आर्म्ड डायनोफ्लैजेलेट्स. ओके, देन दे हैव द स्पेसिफिक ग्रूव्स इन देयर बॉडी. ग्रूव्स आर देयर. ओके, and these grooves are generally circular grooves and the longitudinal grooves. Okay, so whole body has these type of spikes, these type of spines or sculpture. Their thickas are made up by the sculptured plates. ये एक थिका है और ये दूसरी थिका में articulated है. ठीक है? They have centrally situated big nucleus that is called mesokaryon with abundant chromatin thread. Chromatin thread, nucleoplasm, everything, double nuclear membrane is also there. Okay? So the grooves arises longitudinally. That longitudinal grooves is there, and these longitudinal grooves grow without basal granules. Basal granules are not there. They grow the develop the flagella, and these flagella is the longitudinal flagella that is also called sulcus flagella. ये क्या हुई इनकी longitudinal grooves that is called sulcus. Okay. Then they have transverse grooves, and from these transverse grooves they also develop the thick ribbon shaped flagella. Okay, so it is the transverse grooves. Okay, and this is transverse flagella, that is ribbon shaped flagella, slightly thick as compared to the longitudinal flagella. This one is nucleus. And due to arrangement of their thickas, their body is differentiated into two specific protrubated or sculptured structure. So this structure is called apical horn. ऊपर जो दिख रहा है आपको इसको बोला जाता है apical horn, और जो lower portion दिख रहा है इसको बोलता है बोलना जाता है an apical horn. An apical का opposite, an apical horn. Okay, these are the thickas. ये thicka groove. थिका ग्रूव्स, ये ग्रूव्स जो यहां से मैंने आपको बताई ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स दो ग्रो हो रही है, और ये यहां से साइड से ट्रांसवर्स ग्रूव्स जो है वो डेवलप हो रही है. क्लियर? सो दे हैव लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स, ट्रांसवर्स ग्रूव्स, दे हैव न्यूक्लियस, दे हैव साइटोप्लाज्म. ओके, सो ऑल दीज लेबलिंग्स आर कॉमन, बट द स्पेशल लेबलिंग इज देयर. That is related with their arrangement of their thickas and arrangement of their grooves. The next individual, common individual of these dinoflagellates, that is the Nautiluca. Discuss kar rahe hain next, that is Nautiluca.
मैंने आपको बताया ये इंडिविजुअल एक ऐसा इंडिविजुअल है जो इसके वो कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है कि कभी कभी ये इंडिविजुअल होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। अगर ये इंडिविजुअल होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं उनको माउथ भी चाहिए रहेगा खाना खाने के लिए, फिर कुछ फेरिंग्स जैसा या इसोफेगस जैसा स्ट्रक्चर भी चाहिए रहेगा और एक फाइनल स्ट्रक्चर चाहिए रहेगा जो उनके फूड को डाइजेस्ट करके जो भी अनडाइजेस्टेड है उसको एलिमिनेट करे, जैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इसके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव हम पढ़ रहे हैं, दैट रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड नॉटिलुका। नॉटिलुका जो रहता है एक स्फेरिकल इंडिविजुअल रहता है, स्फेरिकल फॉर्म में इसका अपेयरेंस होता है, क्लियर। इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं, क्लियर। यहां पर होता है हमारा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और यहां से आउटग्रोथ जो निकलती है ये आउटग्रोथ फ्लेजुलर आउटग्रोथ रहती है और यहां से इनमें डेवलप होता है एक थिक मोटाइल स्ट्रक्चर एंड दैट थिक मोटाइल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेंटिकल्स। मीन्स आप समझिए कि इनमें फ्लेजिला जैसा स्ट्रक्चर नहीं है तो फ्लेजिला के प्लेस पर दे है द स्पेसिफिक आउटग्रोथ, थिक आउटग्रोथ एंड दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड टेंटिकल्स। देयर साइटोप्लाज्म इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ द स्पेसिफिक बैंड्स और स्ट्राइप्स, that is called cytoplasmic stripes, okay, and these structure present in them is called their oral grooves। ये जो oral grooves है ये word से आप समझ जाइए, ये oral groove जो structure है it is just like our alimentary canal। So in oral grooves they have anterior mouth that is called cytostome, then they have the pharynx like structure tube that is called cytopharynx, and then they have the terminal storage region that is called the reservoir। So they have oral grooves, they have peripheral region, ये peripheral region होता है इनका cytoplasm का जो भी distribution है उसके base पर ये इनका peripheral region होता है, ये होता है इनका nucleus and their cytoplasm is not equally distributed in their cell, that is available in form of cytoplasmic stripes and it is the central cytoplasm, centrally situated cytoplasm, central and it is the peripheral cytoplasm, peripheral region of cytoplasm and this structure is nucleus. So it is the common structure of Nautiluca, that is that individual is considered as the photosynthetic as well as holophytic organism. और गोनियोलेक्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आपको ये दो डायग्राम के साथ इसका रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर डायनोफ्लेजिलेट्स का जो है लर्न करना है कि इनमें जो अरेंजमेंट्स होते हैं, इनमें जो थिकाज अरेंजमेंट होते हैं, इनकी सेल वॉल के जो अरेंजमेंट्स रहते हैं, इनमें कौन कौन से टाइप के फ्लैजिलाज होते हैं, फ्लैजिला कहाँ से अराइज होते हैं, न्यूक्लियस किस कंडीशन का होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से हैं, इनमें सेंसिटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या नहीं है, ये बायोल्यूमिनेसेंस है या नॉन बायोल्यूमिनेसेंस है, अगर इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट है तो कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, किस कंडीशन में प्रेजेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मल सेल डिविजन से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन होता है, दे शो पेरिनेशन, पेरिनेशन शो करते हैं अपने इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं अबाउट द एडवर्स कंडीशन, देयर लाइफ साइकिल इज जायगोटिक मियोसिस, ओके। सो दीज ऑल आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, नाउ वी विल डिस्कस दैट कैरेक्टरिस्टिक वेरी रैपिडली क्योंकि आपको मैंने ये कैरेक्टर्स जो है वो थोड़े डिटेल में होते कैसे बता दिया, तो वो अगर मैं आपको शॉर्ट में भी बोलूंगी तो आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास ऑफ नेक्स्ट फाइलम ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा एंड दिस नेक्स्ट फाइलम इज रिलेटेड विद द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ओके। First we have completed that is the dinoflagellates. Now next is dinoflagellates are also called pyrophyta. Next we are discussing that is called chrysophyta. Next phylum is chrysophyta. In chrysophyta two categories are there. One is the xanthophyta. Xanthophyta. And next one is Basilariophyta. And Basilariophyta commonly called diatoms. क्या बोला जाता है इनको? Diatoms. जो Xanthophyta होते हैं ये common yellow green color के chrysophytes होते हैं और ये जो chrysophytes होते हैं वो commonly yellow brown color के chrysophytes होते हैं।
इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी. ओके, इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो सबसे स्पेशल पिगमेंट जो रहता है वो रहता है फ्यूकोजेंथिन. क्लियर, इनमें फ्यूकोजेंथिन होता है. दे हैव फ्यूकोजेंथिन. फ्यूकोजेंथिन के अलावा इनमें अपने कुछ जेंथोफिल्स होते हैं लाइक डायटमो जेंथोफिल, डायडिमो जेंथोफिल. क्लियर, सो दीज टू पिगमेंट्स आर सेपरेटली प्रेजेंट इन द डायटम्स. इनमें नॉर्मल प्रोटेक्टिव कवरिंग जो रहती है वो सेल वॉल होती है एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप बाय द सेलुलोज. ओके, एंड दीज इंडिविजुअल्स आर जनरली अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड बिकॉज वी डिस्कस डायटम्स इन इलाबोरेटेड मैनर, सो जनरल डिस्कशन ऑफ जेंथोफाइट्स इज देयर. दे आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ कोकस, इन फॉर्म ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इन फॉर्म ऑफ बैसिलस स्ट्रक्चर. ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये इंडिविजुअल जो रहते हैं ये अवेलेबल होते हैं. ये इंडिविजुअल जो रहते हैं वो जनरली एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं और रिलेटेड होते हैं विद फ्रेश वॉटर बॉडीज. मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वॉटर बॉडीज. इंडिविजुअल्स आर जनरली एक्वेटिक. लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो फ्यू इंडिविजुअल जो है वो एक्वेटिक हो गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो रहेंगे टेरेस्ट्रियल. क्लियर, सो दे हैव सेल वॉल एंड देयर सेल वॉल हैज नॉर्मल अरेंजमेंट, बट हियर डिफरेंसेस आर देयर. एक जनरल इंट्रोडक्शन में आप जेंथोफाइटा और बेसिलेरियोफाइटा को डिस्कस कर रहे, हमने यहां पर डिस्कस किया. लेकिन अब हम जिसको डिटेल में पढ़ेंगे विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइजोफाइटा, दैट ऑल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायटम्स. क्लियर, डायटम्स बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं. वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, वो एक्वेटिक भी होते हैं एंड फ्यू वेराइटीज आर मराइन ऑल्सो. दीज इंडिविजुअल हैव स्पेसिफिक सेल वॉल एंड देयर सेल वॉल इज मेड अप बाय द सिलिका. सेलुलोज या पेक्टिन की सेल वॉल नहीं होती है, उनकी सेल वॉल जो रहती है वो बनी हुई होती है सिलिका की. एंड देयर सेल वॉल्स आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ द स्पेसिफिक टू थिकास, लाइक थिकास प्रेजेंट इन द डायनोफ्लेजिलेट्स. बट दीज इंडिविजुअल्स थिकास, आप जैसे घर में हम एक सोप केस को दूसरे सोप केस के ऊपर कैसे फिट करते हैं, लाइक दैट देयर सेल वॉल फिस्ट्यूल्स, जो सेल वॉल रहती है वो बनी हुई होती है इनकी फिस्ट्यूल से. एंड दीज फिस्ट्यूल्स आर मेड अप बाय द सिलिका एंड दीज फिस्ट्यूल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर लाइक द वन सोपकेस इज देयर एंड इट इज द कवर ऑफ सोपके एंड इट इज द बेस वेयर वी कैप द सोप, जहां पर हम सोप रखते हैं. क्लियर, उस टाइप से इनके जो फिस्ट्यूल्स रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं. ठीक है, अब अगर हम नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर करें डायनोफ्लेजिलेट्स की डायटम्स के साथ, डायटम्स आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर, डायटम्स आर मेड अप बाय द स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव कवरिंग, दैट कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप बाय द सिलिका. देयर सेल वॉल इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ द स्मॉल थिकास, स्मॉल सेगमेंट्स दैट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ फिस्ट्यूल्स. एंड दीज इंडिविजुअल्स जनरली इनर्ट इंडिविजुअल, अगर ये इंडिविजुअल का सेल वॉल स्ट्रक्चर उसके बेस पर कंपेयर करें तो ये इनर्ट इंडिविजुअल्स होते हैं. इसलिए जो भी हमारा फिल्ट्रेशन रहता है शुगर का या अल्कोहल का या हमारी एंटीबायोटिक्स बनाते वक्त जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है. ये इसके इनर्ट नेचर की वजह से सीलिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, रेफ्रिजरेटर या जो हमारे टेप रिकॉर्डर्स वगैरह रहते हैं उनकी पैकेजिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है. फिर ये जो है हमारे जो ग्लासेस होते हैं वाटर ग्लास जो रहते हैं उसको बनाने में ये यूज होता है. तो ये जहां पर डायटम्स जिस एरिया में ज्यादा मिलते हैं वहां की सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है. दैट अर्थ द रिमेन ऑफ फिस्ट्यूल्स, जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो इनके जो फिस्ट्यूल्स रहते हैं विद सिलिका दे प्रेजेंट नियर द ब्लैक ब्रैकिश एरिया ऑफ द एक्वेटिक बॉडी. और जो ब्रैकिश एरिया रहते हैं वहां पर ये शाइनी अपेयरेंस जो रहते हैं वो अवेलेबल करवाते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पर कहीं आसपास जो है वो एक्वेटिक बॉडी अवेलेबल है. एंड दीज इंडिविजुअल्स आर बायोलुमिनिसेंट इंडिविजुअल्स. बायोलुमिनिसेंस प्रॉपर जो लुमिनिसेंस होता है वो इनमें एबसेंट होता है,
वो अपना खुद का जो शाइन रहता है दैट प्रोड्यूस बाय द सिलिका प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल. एंड दीज डायटम्स आर द इंडिकेटर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेस ऑल्सो. ये जहां पर अवेलेबल होते हैं कहीं ना कहीं उसके आसपास जो रहते हैं वो पेट्रोलियम के रिसोर्सेस अवेलेबल रहते हैं. दीज फिस्ट्यूल्स रिमेन ऑफ देयर सेल वॉल इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डायटेनेशियस अर्थ दैट फर्टाइल अर्थ फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिकेशियस फिस्ट्यूल्स इन द नियर द एक्वेटिक बॉडी. दे फॉर्म द डायटेनेशियस अर्थ एंड दैट अर्थ इज कंसिडर्ड एज द वेरी फर्टाइल अर्थ एंड दैट soil particles or that particles of remains of their cell wall is used in different works, filtration and like that formation of glass etc. Okay, so it is very useful organism for human in different way, very useful things we obtain from the diet. So let's we discuss the general characteristic and definitely we have to compare that characteristic with the dinoflagellates. Okay. So basic chrysophyta is diatoms. अगर हम chrysophyta पढ़ते हैं तो chrysophyta में जो common group हम पढ़ते हैं वो common group जो रहता है वो हमारा रहता है basilariophyta. Okay? अब अगर आप compare करें कलर के हिसाब से कंपेयर करें तो डायनोफ्लेजिलेट जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर के साथ साथ और दूसरे बहुत से कलर के थे, लेकिन ये जो इंडिविजुअल है ये आपको अगर गोल्डन ब्राउन कलर मिल रहा है तो डायटम्स है, अगर आपको येलो कलर मिल रहा है तो वो ज़ेंथोफाइटा है. क्लियर? ये इंडिविजुअल जो रहते हैं वो जनरली नॉन मोटाइल रहते हैं. कैसे रहते हैं? नॉन मोटाइल. इनमें फ्लैजिला कंप्लीटली एबसेंट होते हैं. फ्लैजिला एबसेंट. ओके, इसलिए बेसल ग्रेन्यूल्स हो गए या ये होंगे, ये सारा कुछ इनमें खत्म हो गया. दे डू नॉट हैव फ्लैजिला. देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट. ये प्योरली फोटोसिंथेटिक होते हैं. अब ये भी ध्यान में रखो कि इससे पहले वाला जो ग्रुप हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि वो फोटोसिंथेटिक तो होते हैं, उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी हैं, वो होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, उसकी वजह से उनमें ओरल ग्रूव्स प्रेजेंट होती है. तो इनमें ओरल ग्रूव्स जैसे कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं. दे आर प्योरली फोटोसिंथेटिक. ओके, देन आप ये समझ के चलिए कि हमारा जितने ऑर्गेनिक फूड जो है हमारा प्रोड्यूस होता है एक्वेटिक बॉडी में, उस ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर हाफ जो प्रोडक्टिविटी है वो हमको अवेलेबल करवाते हैं ब्रायटम्स. क्लियर? हाफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइडेड बाय द डायटम्स. फिर मैंने आपको इसका पिगमेंट सिस्टम बता दिया. मैंने ज़ेंथोफाइटा में अलग बताया और बेसिलेरियोफाइटा में अलग बताया. अब हम कॉमन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. इनमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, इनमें ज़ेंथोफिल होता है, ज़ेंथोफिल. लेकिन एक ध्यान में रखिए, इससे पहले वाला जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने आपको बताया उनमें अल्फा कैरोटीन होता है और इनमें प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीन. क्लियर? These individuals also have the specific pigment जो मैंने आपको बताया डायटोजेंथीन. क्लियर? बीटा कैरोटीन होता है, डायटोजेंथीन होता है एंड दे ऑल्सो हैव फ्यूकोजेंथीन. फ्यूकोजेंथीन आप ध्यान में रखिए, फ्यूकोजेंथीन आपको डायनोफ्लेजिलेट में मिलेगा, फ्यूकोजेंथीन आपको क्राइजोफाइटा में मिलेगा, लेकिन फ्यूकोजेंथीन आपको यूग्लिनोफाइटा में अवेलेबल नहीं होगा. ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, देयर क्लोरोप्लास्ट दे हैव एंड देयर क्लोरोप्लास्ट इज जनरली हैव थाइलेकॉइड लेमेली इज देयर एंड दीज थाइलेकॉइड लेमेली इज जनरली टू लेयर्ड. इससे पहले वाले हमने पढ़ा जो थायलेकॉइड लेमेली होती है वो थायलेकॉइड लेमेली थ्री लेयर होती है, लेकिन इनकी थायलेकॉइड लेमेली जो रहती है वो टू लेयर रहती है. फिर इनका जो सेल वॉल रहता है वो बना रहता है सिलिका डिपॉजिट एज फ्रिस्ट्यूल्स के फॉर्म में जो है इनकी सेल वॉल रहती है. अब सेल वॉल जब प्रेजेंट रहती है तो सेल वॉल का देखिए दो पार्ट्स रहते हैं. अगर हम बात करें तो इसका जो ये वाला पार्ट रहता है इस टाइप से अरेंजमेंट रहता है सोप केस का, तो दैट इज इपिथिका ऊपर वाली सेल वॉल एंड लोअर सेल वॉल इज हाइपोथिका.
So they have cell wall, they in form of fristules, that fristules are made up by the फ्रिस्टिल्स मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए सोप के दो ढक्कन, जो सोप केस है उसका नीचे रखने वाला सोप रखने वाला पार्ट और ऊपर का सोप का सोप केस का कवर. सो दैट फ्रिस्टिल्स आर मेड अप बाय द सिलिका एंड देयर अरेंजमेंट इज इन फॉर्म ऑफ इपिथिका एंड द हाइपोथिका. क्लियर? दीज इंडिविजुअल्स जनरली डू नॉट हैव द सेंसरी स्ट्रक्चर. जैसे इससे पहले वाले में हमने पढ़ा कि उनमें सेंसरी स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं एंड दैट सेंसरी स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ ट्राइकोसिस्ट. इनमें कोई भी ऐसा सेंसरी स्ट्रक्चर जो रहता है वो प्रेजेंट नहीं होता है. क्लियर? इनका जो रिजर्व फूड रहता है, इससे पहले हमने पढ़ा जो रिजर्व फूड रहता है दैट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन फॉर्म ऑफ ऑयल, इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, दे दीज इंडिविजुअल ऑल्सो हैव, बट दैट पार्टिकल्स आर डिफरेंट. दे हैव ऑयल पार्टिकल्स एज रिजर्व फूड, दे हैव प्रोटीन पार्टिकल्स एज वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में उनका प्रोटीन स्टोर होता है, एंड देयर स्टार्च इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ल्यूकोसिन. ल्यूकोसिन दे हैव स्टार्च, दे हैव प्रोटीन, दे हैव ऑयल इन देयर स्टोर्ड फूड. इससे पहले वाले में हमने स्टोर्ड फूड सिर्फ यही पढ़े, लेकिन यहाँ पर स्टोर्ड फूड ऑयल के फॉर्म में एज इट इज ऑयल होता है, बट प्रोटीन पार्टिकल्स आर स्टोर्ड इन स्पेसिफिक फॉर्म दैट इज कॉल्ड वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल, एंड द स्टार्च इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ल्यूकोसिन पार्टिकल्स. ल्यूकोसिन पार्टिकल्स के फॉर्म में इनका स्टोर्ड फूड जो रहता है वो प्रेजेंट होता है. क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द सिमेट्री ऑफ दिस इंडिविजुअल. क्लियर? हाउ दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ. जैसे अगर हमको कोई देखे तो हम बोले हम बायलैटरली सिमेट्रिकल है. स्टारफिश को कोई देखे तो वो बोले रेडियली सिमेट्रिकल है. रेडियली सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल हम समझते हैं. अगर हम एक किसी सेंट्रल एक्सिस से इंडिविजुअल को कट करें तो इंडिविजुअल दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो जाए तो उसको बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं. और हम उसको एक प्लेन छोड़कर कई प्लेन से अगर इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं दैट सिमेट्री इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री. So the member of diatoms generally shows symmetrical body form, their body structures are symmetrical, so they show symmetry. Normal language में symmetry को पढ़ते हैं bilateral symmetry and radial symmetry. Okay, so their bilateral symmetry is called pimate. Bilateral symmetry is called pimate. Bilaterally symmetrical form of their body is called, their organization is called pimate, and the next organization that is called centric. Clear? तो इनमें से बहुत सारे individual ऐसे रहते हैं जो bilateral symmetry show करते हैं. They are called pimate form. उनके इस form को बोला जाता है pimate form. और जब वो radial symmetry show करते हैं उस form को बोला जाता है centric form. ओके, सो दीज इंडिविजुअल्स आर जनरली सिमेट्रिकल. अगर हम डायनोफ्लैजिलेट्स को देखें तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स रहते हैं वो सिमेट्रिकल भी होते हैं, वो एसिमेट्रिकल भी होते हैं. और अगर वो सिमेट्री शो करते हैं तो नॉर्मली उनकी जो सिमेट्री रहती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर एसिमेट्रिकल इन डायनोफ्लैजिलेट्स, बट हियर इंडिविजुअल्स आर सिमेट्रिकल एंड टू टाइप ऑफ सिमेट्री कॉमनली दे शो. ओके, जनरली these individual in their they do not have sensory organ. Their excretory organ is the contractile vacuole. Already हम discuss कर चुके हैं excretory organ इनका contractile vacuole होता है. Clear? And they do not have locomotory organ. Their common method of reproduction asexual. Asexual reproduction में वो fission से reproduce होते हैं and they also show cyst formation. And the sexual reproduction method followed by the member of pyrophyta, they reproduce by N-isogamous method or oogamous method of reproduction they show. आप अगर dinoflagellate को compare करो तो dinoflagellate में N-isogamous और isogamous था, oogamous reproduction नहीं था. Eumelinophyta में भी दोनों ऐसे ही मिलेंगे, उसमें भी N-isogamous भी होगा, oogamous भी होगा, लेकिन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली अवेलेबल इन द डायनोफ्लैजिलेट्स, कॉमनली अवेलेबल इन द पायरोफाइटा, क्राइजोफाइटा,
बट इट इज नॉट अवेलेबल इन द यूक्लिनोफाइटा कॉमनली. उनमें किसी भी टाइप का कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक प्रॉपरली डिस्कवर नहीं हुआ है. इसलिए हम अगर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कॉमन मेथड एनाइसोगैमस और ओगैमस होगी दे बिकॉज देयर लाइफ साइकिल इज गैमेटिक मियोसिस. सो लाइफ साइकिल पैटर्न शोन बाय द मेंबर ऑफ क्राइजोफाइटा. इट इज नॉट पाइरोफाइटा, दैट इज क्राइजोफाइटा. एंड लाइफ साइकिल पैटर्न इज गैमेटिक मियोसिस. They follow gametic meiosis. अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिए, जब ये gametic meiosis शो करते हैं तो gametic meiosis में ये zygotes बनाते हैं 2N structure and these zygotes continuously divide and form the specific spore-like structure, spore-like bodies and that spore-like body is called oxospore. Oxospore. तो ये एक स्पेसिफिक स्पोर कंडीशन बाय द डिवीजन इन जायगोट दे फॉर्म. तो ये इनके लिए एक स्पेशल केस हो गया. ये ऑक्सोस्पोर जैसी कंडीशन ना तो आपको डायनोफ्लैजेलेट्स में मिलेगी और ना आपको यूक्लिनोफाइटा में अवेलेबल होगी. क्लियर? सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर ऑफ क्राइजोफाइटा. टू ग्रुप्स आर देयर. वन इज ज़ेंथोफाइटा, दैट इज येलो ग्रीन एल्गी. एंड नेक्स्ट इज येलो ब्राउन अल्गी लाइक ऑर्गेनिज्म. इनको अल्गीज बोला जाता है, अल्गी लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज द प्लैंकटॉन्स. उनको प्लैंकटॉन्स बोला जाता है. ये जब ग्रुप में एक्वेटिक बॉडी में अवेलेबल होते हैं सो दे आर कंसिडर्ड एज द प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक बॉडी. तो उसके लिए वर्ड होता है प्लैंकटॉन्स. क्लियर? सो दीज फोटोसिंथेटिक प्लैंकटॉन्स हैव दीज टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड विद देयर फ्लैजिला, रिलेटेड विद देयर स्टोर्ड फूड, रिलेटेड विद देयर पिगमेंट, सेल वॉल स्ट्रक्चर. And their cell wall is shiny because of presence of silica and their silica arrangement form the specific segments or specific thickas in their cell wall and that their thickas are called fristules. Okay? So their life cycle pattern, everything we have discussed now. So next we will discuss the characteristic of Euglenophyta. Okay? आप इसके अगर एक member का diagram हम बनाकर देखें. Clear? So these are the they in their body organization they have big central vacuoles. उनकी cell में एक बड़ा central vacuole होता है and these are the silicaceous fristules. ये एक सो केस साबुन रखने वाला और उसके ऊपर साबुन का कवर जो ढक्कन है वो लगाते हैं. ऐसे ही इनकी ये दो cell wall के arrangements होते हैं. These cell wall have the specific small segment. And that segments are called fristules and these fristules are made up by the silica. Okay, so this individual is navicula. Navicula. इसी के जैसा अगर आप दूसरा एक डायग्राम बनाए ऐसे ही रहते हैं ये. बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा अरेंजमेंट जो रहता है वो चेंज होता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो रहता है वो सेम होता है. एंड इट इज कॉल्ड पेनिनकुला. पेनिनकुला. Clear? So all these are the characteristic of Chrysophyta diatoms. Okay? So next we will discuss the characteristic of Euglenophyta. Characteristic of Euglenophyta पढ़ने के लिए सबसे पहले हम Euglena का डायग्राम ही बना लेते हैं तो आपको सारे characteristics जो है वो क्लियर हो जाएंगे. सिर्फ पिगमेंट इसकी सेल वॉल में थोड़ा सा डिफरेंस है. लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो डायनोफ्लैजिलेट्स की जैसे ही है, हेट्रोकॉन्ड कंडीशंस है. लेकिन इसके फ्लैजिला जो है वो बेसल ग्रेन्यूल से राइज होते हैं, उनके फ्लैजिला बेसल ग्रेन्यूल से राइज नहीं होते हैं. वहां पर भी फोटोसिंथेटिक आई स्पॉट अवेलेबल होता है, यहां पर भी फोटोसिंथेटिक आई स्पॉट अवेलेबल रहता है. उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है डायनोफ्लैजिलेट्स का वो यूसियल है. इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है. दीज इंडिविजुअल्स ऑल्सो हैव ओरल ग्रूव्स. ओरल ग्रूव्स इनमें प्रेजेंट होती है. ये इंडिविजुअल जो है वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और होलोफाइटिक भी होते हैं, इसलिए मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. इनमें पिगमेंट जो रहते हैं वो क्लोरोफिल ए होता है, इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल बी होता है, इनमें ज़ेंथोफिल होता है, इनमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, इनमें फ्यूकोज़ैंथिन जो रहता है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है. अगर आप दो के साथ इसको कंपेयर करें दे डू नॉट हैव फ्यूकोज़ैंथिन. ओके, दीज इंडिविजुअल्स हैव क्लोरोप्लास्ट एंड देयर क्लोरोप्लास्ट लेमिली और थायरेकॉइड लेमिली इज अगेन थ्री लेयर लाइक डायनो फ्लैजिलेट्स.
they have locomotory organ, they are generally motile. Individuals are available in the fresh aquatic bodies, fresh bodies में available होते हैं, but few individuals are marine also. ये individuals जो रहते हैं वो free floating individuals भी होते हैं और bottom dwellers भी होते हैं. ये आपको एक्वेटिक बॉडी के सरफेस पर भी मिलेंगे ऊपर तैरते हुए, और ये आपको बॉटम सरफेस पर भी अवेलेबल होंगे. ये इंडिविजुअल जो रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए अडेप्टेड होते हैं, लेकिन अगर कंडीशन एडवर्स हो तो वो होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं. इनका लाइफ साइकिल पैटर्न जो रहता है वो गैमेटिक मियोसिस रहता है, लाइक डायटम्स दे शो गैमेटिक मियोसिस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट वेल नोन इन द मेंबर ऑफ यूग्लिनोफाइटा. These individuals have outermost protective covering as not cell wall. They do not have cell wall and they have the specific cell wall and that cell wall is called pellicle. उसको pellicle बोला जाता है. Basically यही इनका unique character है कि pellicle actual में क्या है. तो pellicle जो है वो protoplasmic proteinaceous outgrowth है that is available in form of protoplast. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन होते हैं या उनके जो साइटोप्लाज्म के प्रोटीन रहते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, मान लीजिए इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये एक स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव कवर बनाते हैं. दैट प्रोटेक्टिव कवर कॉमनली कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, बट हियर दिस प्रोटेक्टिव कवर इज कॉल्ड पेलिकल. सो दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इन प्लेस ऑफ सेल वॉल दे हैव पेलिकल्स. ओके, their flagellas are arises from the basal granules. They have stored food as paramylon bodies. अब यहाँ पर भी थोड़ा सा difference देखिए आप, कि पहले वाले में हमने stored food क्या पढ़ा, second वाले में हमने stored food क्या पढ़ा, और यहाँ पर हम stored food पढ़ रहे हैं paramylon bodies. Okay? These individuals generally show asexual method of reproduction. Sexual method of reproduction is not well known. Already मैं आपको बता चुकी हूँ. लाइफ साइकिल पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया. पिगमेंट्स आर देयर, सेल वॉल डिफरेंसेस आर देयर. सेल वॉल में इनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यूग्लिना. लीव शेड प्रोटिस्टा, क्लियर. देन ओके, they have the oral grooves. अब oral grooves में समझिए, they have cytostome, they have elongated tubular structure cytopharynx and then terminal portion reservoir. Okay, they have basal granules. From these basal granule two flagellas where arises, one is a small and one is the long flagella moves posteriorly. Okay, then they have near these basal granules they have the eye spot, photosynthetic spot. They have contractile vacuoles near the oral grooves that is related with the excretion process. Okay, they have the big ribbon shaped or disc shaped chloroplast structure. They have prominent developed nucleus as mesocarion. They have stored food as paramylon bodies. They have cytoplasm. Cytoplasm is there, and this cytoplasm is differentiated into two distinct zones. One is the ectoplasm. Ectoplasm that is the peripheral cytoplasm and central one is endoplasm. So their protoplasm, their cytoplasm is distributed in different manner. They have the protective cover outside as pellicle, and this pellicle is made up by the proteinaceous outgrowth that is combined with the starch and fat particles, lipid particles and form the outermost protective covering, and that protective covering is called pellicle, and this pellicle is basically made up by the protoplast. Okay, that is related with the protoplasmic outgrowth. Okay, it is the eye spot, basal granules, cytostome, cytopharynx, reservoir and collectively it is called oral grooves. Why they have oral grooves?
because they show both mode of nutrition, photosynthetic as well as holophytic. तो जब खाना आपको खाना रहेगा तो ये साइटोस्टोम से अपना फूड जो है अपनी ओरल कैनल्स में एंटर करेंगे, ठीक है. एंड दे शो देयर रिस्पॉन्सेज, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक सेंसरी ऑर्गन्स बट दे हैव आई स्पॉट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आई स्पॉट दे आर एबल टू रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द सनलाइट. वो सनलाइट के फेवर में रिस्पॉन्स कर सकते हैं. दीज इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड ड्यूअल ऑर्गेनिज्म. इसको ड्यूअल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये दोनों टाइप का बिहेवियर शो करता है, फोटोसिंथेटिक एज वेल एज होलोफाइटिक. क्लियर? ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ये इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक मूवमेंट शो करते हैं. वो फ्लैजिला से तो मूवमेंट करते हैं, मान लीजिए अगर वो फ्लैजिला से मूवमेंट और लोकोमोशन नहीं शो कर पा रहे हैं, सो दे शो देयर मूवमेंट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ यूरिनोफाइटा इज कॉल्ड मेटाबॉली. ये वर्ड जो टर्म्स मैं आपको अलग से बता रही हूँ, ये टर्म्स थोड़ा सा ध्यान में रखिए, प्रोटोप्लास्ट एंड मेटाबॉली ऑल दीज. सो ऑल दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर ऑफ यूरिनोफाइटा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सप्लेनेशन ट्राई टू डिफरेंशिएट द मेंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट दैट वी हैव डिस्कस टूडे, dinoflagellates that is the pyrophyta, and diatoms that is the chrysophyta, and last one is euglena that belongs to the euglenophyta. Okay, so next we will discuss the next group of kingdom protista, and that is related with the moulds that are consumer decomposer protist. Okay, so next we will discuss about that.